इस बीच छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के खिलाफ लेफ्ट नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और सरकार से उसे तुरंत छोड़ने के लिए कहा है। उसके बारे में हमने उनको अवगत करवाया कि ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जब हम छात्र थे जेएनयू में, इसी तरीके से पुलिस सभी हॉस्टलों में आकर वहां पर गिरफ्तारी की बात जो कर रही है, जो आज का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में नया वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया, उस वाइस चांसलर ने जो इजाजत दी पुलिस को कि किसी भी समय वो आकर एक्शन ले सकते यूनिवर्सिटी में, हम समझते हैं कि ये इस सरकार की अपॉइंटेड वाइस चांसलर का इस तरीके से हिफाजत देना, ये सिलसिला हम देख रहे हैं देश के कई सारे यूनिवर्सिटियों में। वाइस चांसलर बदल देते हैं, नए वाइस चांसलर उनकी मनमानी लगाते हैं। जरा साबित करिए, वो जो भी आप कह रहे हो टेप के आधार पर ये हो रहा है, उस टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन दिया? जेएनयू के अंदर कोई आपके ये कैमराज नहीं है। जिस सूची में नाम दिए हैं उसके अंदर कॉमरेड राजा की बेटी का भी नाम है। अब जो लोग नारे दे रहे हो वो अलग है, लेकिन इसको बहाना बनाकर इस्तेमाल कर रही है सरकार कि वो उच्चतम शिक्षा संस्थाओं के अंदर हस्तक्षेप करके वहां पर उनकी आरएसएस की जो सिद्धांत है उसके अनुकूल काम करने के लिए, ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हमला है।